हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे बीके कारपेंटर चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक और नए दरवाज़ा फिटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस दरवाज़ा को हम नीचे की तरफ में पहले कटिंग कर लेंगे, नीचे तरफ की साइज पर कटिंग करके सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों, इस दरवाजे के साइज 6.5 फीट है। तो दोस्तों, हम नीचे तरफ की थोड़ा सा कटिंग करके उसके बाद दरवाजे का साइज पूरी तरह से लेकर कटिंग कर लेंगे। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने नीचे की तरफ साइज का कटिंग कर लिया है और दोस्तों, इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी चौड़ाई 3 फुट से थोड़ा आधा इंची बड़ा है, 3 फुट हाफ इंच का है। और दोस्तों, चौकट में भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर भी हम नाप लेकर इसको हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, हम अकेले में ही दरवाजे को फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों, हम दरवाजे को सही तरह से बैठा लिया है, ये देखिए। और दोस्तों, हम ये इस ग्रिल, खिड़की का ग्रिल जो है उसको हम रखकर इसको सपोर्ट में रख लेंगे। और दोस्तों, हम इस दरवाजे के उस तरफ जाकर इसके दाग लगा देंगे, निशान लगा कर। दोस्तों, हमने निशान लगा लिया है, अब इसको हम नीचे उतारेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए। और दोस्तों, इसके हम ऊपर वाली साइड को कटिंग कर लेंगे, इसके दागी जो है उसका हम पलट लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, हम ऊपर तरफ भी कटिंग कर लिया है। और दोस्तों, इसकी चौड़ाई साइड वाली ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो इसका हम मशीन डंडा से मारकर उसको सीधा कर लेंगे। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। तो दोस्तों, इसके हमने दोनों साइड डंडा मारकर कंप्लीट कर लिया। अभी हम इसको फिटिंग करके देखेंगे कि सही तरह से अब है चौकट पर बैठा है कि नहीं। तो दोस्तों, ये देखिए, थोड़ा सा साइड पर लग रहे हैं, तो हम इसको फिर से डंडा मार लेंगे थोड़ा सा। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। और दोस्तों, इस दरवाजे के ऊपर तरफ थोड़ा सा लग रहा है, तो इसको ऊपर से लिए थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, कटिंग हो गया, इसको फिटिंग करके देखेंगे इस तरह से चौकट पर फिटिंग हुआ कि नहीं। अब है जो है वो समा है। तो दोस्तों, दरवाजे का पल्ला सही तरह से बैठ गया है। अभी हम इस पर हिंगेस का निशान लगाएंगे। दोस्तों, हिंगेस का निशान भी लगा लिया है, इसको अच्छी तरह से दाग लगा कर कटिंग करेंगे इसको। और दोस्तों, उससे पहले चाय पी लेते हैं, चाय आ गया है हमारा। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारा चाय, काली चाय और बिस्कुट के साथ। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपा। तो दोस्तों, ये देखिए, अभी हम चाय पीने वाला हूँ। मेरा बिस्कुट चाय के साथ डुबोकर खा रहे हैं। और दोस्तों, मैं जब तक चाय पी रहा हूँ तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और दोस्तों, एक मैं
बहुत ही अमेजिंग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से चेकआउट जरूर करें। और दोस्तों बताना कमेंट करके वो वाला वीडियो कैसा है। तो दोस्तों हमने चाय पीकर कंप्लीट कर लिया, फिर से हम अपना काम शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए हम इंगेज कर ताकि पटपट भी लगा रहे हैं। और दोस्तों चाय पीने का कुछ कुछ खाना भूल गया है, तो अभी हम खाने लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने ले लिया है, ये है बीटल नट, हम लोग इसे साबुन कहते हैं। और उसके पान के पत्ते के साथ खा लिया है। और दोस्तों अभी हम काम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने चौकर पर हैंगर्स लगाने का निशान को कटिंग कर लिया, अभी हम पल्ला पर कटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने पल्ला पर भी हैंगर्स लगाने का जगह कटिंग करके कंप्लीट कर लिया, अभी हम हैंगर्स लगा रहे हैं। ये देखिए स्क्रूप मार रहे हैं यहाँ पर हम कुछ इस तरह से। तो दोस्तों हमने हैंगर्स लगाकर कंप्लीट कर लिया है, अभी दोस्तों इसे हम चौखट पर फिटिंग करके देखते हैं सही तरह से फिटिंग होता है कि नहीं कब्जा हैंगर्स लगाने के बाद। दोस्तों हम लोग हैंगर्स को कब्जा बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार कब्जा ही मेरा मुँह से कब्जा निकल का नाम निकल आता है। तो दोस्तों हैंगर्स लगाने के लिए सबसे पहले ऊपर वाला एक स्क्रूप लगाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एक स्क्रूप लगाने के बाद आसानी से बाकी को लगाकर फिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम कुछ इस तरीके से फिटिंग कर रहे हैं अकेले ही। तो दोस्तों ये देखिए फिटिंग हो गया है। और दोस्तों अभी हम बाकी बचा हुआ स्क्रू सारे के सारे लगा देंगे। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों मेरे वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो दोस्तों मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगा फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।